हर हर महादेव। केदारनाथ धाम लेटेस्ट क्लाउड अपडेट। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और आप ये पता करना चाहते हैं कि इस समय केदारनाथ धाम के अंदर कितनी भीड़ है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपको वो न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 31 जुलाई को जो केदारनाथ धाम के पैदल रास्ते में आपदा आई थी, उसकी वजह से केदारनाथ धाम का रास्ता टूट गया था और यात्रा रुक गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे रास्ते को ठीक किया गया और यात्रा स्टार्ट हो गई। अभी दो दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था जिससे मैंने आपको बताया था कि यात्रा फिर से रुकी है क्योंकि जो मानसून है कंटिन्यू यहाँ बना हुआ है। लेकिन अब जो कल का टाइम है, कल पूरा मौसम खुला हुआ था, तो अच्छी खासी भीड़ केदारनाथ धाम में हो गई है। और अगर आप केदारनाथ धाम सितंबर के महीने में यानी 20 सितंबर के बाद जा रहे हैं तो फिर आपको अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। और साथ ही साथ आपको अक्टूबर में भी भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसे मैंने आपको मानसून ख़त्म होने की तारीख भी इसके अंदर दिखा रखी है। तो भीड़ तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है मई जून जैसी आपको भीड़ मिले, क्योंकि जिन लोगों का प्लान अगस्त में था वो लोग नहीं गए होंगे, तो अब वो अक्टूबर के महीने में आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा अपडेट दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। यहाँ देखिए ये न्यूज़ आ चुकी है और आप ये भीड़ देखिए। ये जो भीड़ है, रविवार की सुबह सोनप्रयाग से पुलिस कर्मियों की निगरानी में केदारनाथ के लिए रवाना होते तीर्थयात्री। तो जो ये आपकी रोड है, ये फिलहाल सोनप्रयाग टू गोरीकुंड वाली रोड है, लेकिन जब मौसम खुलेगा तो उसको और अच्छा बना दिया जाएगा। अभी थोड़ी यहाँ दिक्कत है। तो पूरी न्यूज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खिले, पैदल मार्ग के सभी पड़ावों पर बड़ी रौनक। दो दिन में 20,000 से अधिक यात्री सोनप्रयाग से रवाना हुए। तो चलिए पूरी न्यूज़ हम यहाँ पढ़ते हैं। केदारनाथ धाम की द्वितीय चरण की यात्रा ने गति पकड़ ली है। पिछले दो दिनों में सोनप्रयाग से 20,000 से अधिक तीर्थयात्री धाम के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं की चहलकदमी बढ़ने से यात्रा पड़ावों की रौनक भी बढ़ गई है। इससे यात्रा मार्ग के सभी व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। गत 31 जुलाई को आपदा से केदारनाथ हाईवे के साथ ही पैदल मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद लगातार हो रही भारी बारिश से सोनप्रयाग से गोरीकुंड के बीच हाईवे बराबर अवरुद्ध हो रहा था। इससे तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आ गई। केदारघाटी के होटल और लॉज में सितंबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह की अधिकांश बुकिंग रद्द हो जाने से व्यापारी निराश थे। पिछले दो दिनों में मौसम अनुकूल होने से यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शनिवार को 11,600 तीर्थयात्री सोनप्रयाग से धाम के लिए रवाना हुए, जबकि रविवार को 8,500 से अधिक। पूर्व में 1,000 से 2,000 यात्री ही बाबा केदार के दर्शन को जा रहे थे। तो देखिए एकदम से संख्या बढ़ गई है, तो डेली के जो संख्या है और भी बढ़ने वाली है। हालांकि बीते वर्षों में भी 15 सितंबर के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार पिछले तीन दिन से जो भारी बारिश हुई उससे व्यापारी चिंतित थे। केदारघाटी होटल के सचिव नितिन जमलोकी ने बताया कि आपदा के बाद यात्रियों की संख्या में भारी कमी आ गई थी। सितंबर शुरू होने के बावजूद वर्षा का दौर जारी था, लॉज व होटल की बुकिंग रद्द हो रही थी। पिछले दो दिन से जिस तरह यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उससे उम्मीद है कि आगामी डेढ़ माह में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री धाम में पहुंचेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि यात्रियों के लिए सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। बाकी मैं आपको हेली की न्यूज़ भी बताना चाहूँगा जिनका हेली बुकिंग है। केदारनाथ के लिए सभी 9 हेली कंपनियाँ भरने लगी उड़ान। केदारघाटी की द्वितीय चरण की यात्रा के लिए शेष 5 एनिमेशन कंपनियों ने भी रविवार को उड़ान भरना शुरू कर दिया है। 4 कंपनी पहले से ही सेवा दे रही थी। इसी के साथ सभी 9 कंपनियां केदारघाटी के लिए विभिन्न हेलीपैड से धाम के लिए हेली सेवा देने लगी है। इस वर्ष अब तक 59,210 यात्री हेली सेवा से बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को 8,500 से अधिक पैदल यात्रियों ने सोनप्रयाग से धाम के लिए रवाना हुए। इस वर्ष 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे, तब से लेकर अब तक 11,30,508 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो देखिए ये पूरी न्यूज मैंने आपको बता दी है। अब यात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है, तो आपको अच्छी खासी भीड़ केदारनाथ धाम में मिलने वाली है। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको इसी तरह देता रहूंगा, क्योंकि मेरी भी अब यात्रा अक्टूबर के महीने में आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।